नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लड़कियों के वॉशरूम में लगाया हिडन कैमरा, रिकॉर्ड किए 1200 अर्ध नग्न वीडियो, छात्र गिरफ्तार। पटना के ठेकेदार से 1.5 करोड़ की ठगी। गुरुग्राम में दूसरे के नाम पर बैंक से लोन लेने का फर्जीवाड़ा आया सामने, 3 लोग गिरफ्तार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लड़कियों के वॉशरूम में लगाया हिडन कैमरा, रिकॉर्ड किए 1200 अर्ध नग्न वीडियो, छात्र गिरफ्तार। जी हां, कर्नाटक से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां के प्राइवेट कॉलेज के एक छात्र को लड़कियों के अर्ध नग्न वीडियो रिकॉर्ड करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि छात्र पर आरोप है कि उसने कथित तौर पर हॉस्टल की छात्राओं के वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए वॉशरूम में एक हिडन कैमरा लगाया था। जी हाँ, साथ ही उसने 1200 से अधिक अर्ध नग्न वीडियो और लड़कियों की तस्वीरें रिकॉर्ड की। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम शुभम एम आज़ाद है। जी हाँ, पुलिस ने बताया कि शुभम ने अपनी गर्लफ्रेंड की भी अर्ध नग्न तस्वीरें क्लिक की थी, इसका भी आरोप उस पर लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक वो हाल ही में हॉस्टल में भाग गया था, जब कुछ लड़कियों ने उसे वॉशरूम में हिडन कैमरा ठीक करते हुए पकड़ लिया था। जी हाँ, पुलिस ने बताया कि होसा के रेहल्ली के पास एक निजी कॉलेज में हुई है घटना तब सामने आई जब अधिकारियों ने छात्रावास में लगे CCTV कैमरे की फुटेज की जांच की। पहले भी पकड़ा गया था आरोपी। जी हाँ, पुलिस ने बताया कि उसने पहले भी ऐसा ही काम किया था और पकड़ा गया था। लिखित माफीनामा जमा करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। पुलिस ने आगे कहा कि एक कॉलेज के प्रोफेसर की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है, उसका फ़ोन जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि उसके फ़ोन से 1200 अधिक वीडियो और तस्वीरें बरामद हुई है। जी हां, पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास एक और फ़ोन है और इसमें और भी वीडियोस हो सकती है, संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी कृष्णकांत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आरोपी एक कॉलेज का छात्र है, उसे एक गंदी हरकत है, इस कारण हमने संबंधित धाराओं के तहत उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दर्ज की गई शिकायत के आधार पर हम पूछताछ कर रहे हैं। इस मामले में हम जल्द ही केस फाइल करेंगे और मामले की जांच शुरू करेंगे, उन्होंने कहा। फिलहाल मैं जांच से जुटाई गई जानकारी के बारे में बात नहीं कर सकता। वीडियो के बारे में और जानकारी जुटाई जाएगी। वो इंजीनियरिंग का छात्र है और बिहार से है। पटना के ठेकेदार से 1.5 करोड़ की ठगी। लोन लेने के देने के नाम पर कभी मुंबई तो कभी दिल्ली बुलाया था। जी हां, शातिर राजधानी पटना का एक ठेकेदार ठगी का शिकार बन गया। मुंबई और दिल्ली के ठगों ने उससे 1.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर ली। प्रोजेक्ट लोन देने के नाम पर ठगों ने पहली पीड़िता को अपने जाल में फंसा लिया और बाद में जो हुआ उसका ठेकेदार को भी अंदाजा भी नहीं था। जी हाँ, डॉक्टर कॉलोनी स्थित महेंद्र लोक अपार्टमेंट में रहने वाले सुयश कुमार ने कंकड़बाज थाने में एक FIR दर्ज करवाई है। दरअसल सुयश की कंपनी राज्य और केंद्र सरकार और सरकारी उपक्रम में निर्माण कार्य का ठेका लेती है। जी हाँ, लेकिन उन्हें किसी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लोन लेना था। उन्होंने एक अपने पहचान के एक शख्स राजेश कुमार से लोन के बारे में पूछा। इसके बाद राजेश ने उस ठेकेदार को अशोक नारायण शेट्टी, अजीत लक्ष्मण सागर, अशोक चौधरी से मिलवाया। उन्होंने बताया कि वे बैक ऑफ की कंपनी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ थाईलैंड में के कर्मी हैं। 3 अक्टूबर को सभी ने ठेकेदार के कार्यस्थलों का निरीक्षण किया। सभी ने सुयश को लोन के लिए एग्रीमेंट साइन करने को कहा। अगले दिन सभी को फाइल्स का टिकट सुयश ने ही मुंबई के लिए बुलाया। मुंबई में उनकी मुलाकात आकाश कृष्ण से हुई। वो तारीख 11 अक्टूबर की थी जब उन्हें कहा गया था कि दूसरे शेयर होल्ड का सिग्न हो गया है। जी हाँ, जिसके बाद वे दिल्ली चले गए। ठगों ने उन्हें एक ट्रॉली बैग दिया था जिसके स्टैम्प पेपर रखे होने के बात कही थी, उसे भी गायब कर दिया गया। उसके बाद दोबारा उन्हें स्टैम्प खरीदने को कहा गया, लेकिन ठेकेदार ने मना कर दिया। सुयश को दोबारा 5 करोड़ का लोन देने के नाम पर जाल बिछाया गया। जी हाँ, ठगों ने उन्हें 2.85% प्रोसेसिंग फी और PDC चेक देने को कहा। 22 अक्टूबर को ठग उनके ऑफिस पहुंचे, जहां प्रोसेसिंग की
फी के नाम पर उन्होंने दोबारा 15,25,000 दे दिए। ठग रुपए मौर्य कॉम्प्लेक्स स्थित एक एजेंसी के यहां जमा करने की बात कहकर निकल गए। ठेकेदार के होश उस वक्त उड़ गए जब उसने सभी को फोन करना शुरू किया, लेकिन सबका मोबाइल ऑफ बताने लगा। सुयश को समझते देर नहीं लगी कि वे ठगी के शिकार हुए हैं। गुरुग्राम में दूसरों के नाम पर बैंक से लोन लेने का फर्जीवाड़ा आया सामने, तीन लोग गिरफ्तार। जी हां, साइबर सिटी गुरुग्राम में लोन का फर्जीवाड़ा सामने आया है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो फर्जी दस्तावेज बनाकर पहले बैंक में खाता खोलते थे और उसके बाद बैंक से 5,00,000 का लोन लेकर फरार हो जाते थे। अब तक ये गिरोह कई लोगों के फर्जी दस्तावेज बनाकर लोन ले चुका है। जी हां, सीएम फ्लाइंग और प्लान बिहार क्राइम यूनिट की टीम ने सूचना के आधार पर गांधीनगर गली नंबर 6 में रेड की। यहां श्याम कम्युनिकेशन व इलेक्ट्रिक्स की दुकान पर मोबाइल समेत अन्य सामान बेचे जाने के साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपडेट करने का भी काम किया जाता था। जी हां, इन्हें अपडेट करने के नाम पर ही फर्जीवाड़ा किया जाता था। जानकारी के मुताबिक आधार कार्ड और पैन कार्ड पर नाम बदलकर सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में फर्जी तरीके से पहले बैंक खाता खुलवाया जाता था। खाता खुलवाने के बाद लोगों के फर्जी नाम पर 3 से 5 लाख रुपए लोन लिया जाता था। लोन की पहली 3 से 4 किस्तें ये लोग भरते थे। खाते में आई राशि को ये लोग ATM के जरिए निकाल लेते थे। टीम ने आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, प्रिंटर, 15 पैन कार्ड, 24 आधार कार्ड, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के डेबिट कार्ड, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की मोहर लोन एप्लीकेशन, 21 सिम एयरटेल, 3 सिम वोडाफोन, बैंक पासबुक, चेकबुक, आईडी, एफिडेविट समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।